आज के हम लोग का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आप पिछली क्लास में 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग कर चुके हैं। इसके आगे हमको प्रोसेस करना है क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। और टोटल आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन कितने हैं? 48 लगभग। आज ये सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेने वाले हैं, ठीक है। पिछली क्लास में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? पिछली क्लास में सर हम लोग सिर्फ बदमाश रूल पढ़े थे। बदमाश रूल में आप क्या चीज़ पढ़े थे सर? पहले आप DODMAS ये रूल हमने पढ़ा था। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके पहले ब्रैकेट में ही हमने तीन चीज़ों को पढ़ा था। ब्रैकेट में तीन तरह के ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, कौन कौन से? विन कॉलम ब्रैकेट, दूसरा था स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद सॉल्व करेंगे सर स्क्वायर ब्रैकेट। इन चार तरह के ब्रैकेट को भी सॉल्व किए, उस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, फिर ये ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं। अब इन सबको मिला के उसके पहले हमने क्या किया था? बेसिक फार्मूले, जो भी आपने बेसिक फार्मूले पढ़े थे, बेसिक फार्मूले पे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर चुके हैं आप। तो आज जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ठीक है सर, आज रिवीजन करवाने वाली कोई चीज़ नहीं है हम लोग की क्लास में, क्योंकि रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है। पिछली क्लास में हम लोग क्या किए थे? सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व किए, एक यही क्या नाम है, बदमाश रूल पढ़े थे। बदमाश रूल के बाद से आप लोग क्या करना शुरू कर दिए थे? क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिए थे। वो क्वेश्चन किस पे डिपेंड थे सर? इस रूल पे थे, बेसिक फार्मूले पे थे, जो बेसिक फार्मूले हमने क्लास के शुरू में डिराइव किया था, फाइंड किया था, ठीक है? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपके असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस 1/x = 1 देन द वैल्यू ऑफ x² + x + 1/x³ - x²। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है? हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिएगा। x + 1/x = इसकी वैल्यू दी गई है 1, ये मिल गया आपको गिवन वैल्यू। रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। रिक्वायरमेंट है सर x² + x + a/x³ - x²। इसकी वैल्यू बतानी है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + x + a/x³ - x²। ये वैल्यू निकालनी है। अब आप इस पे सोचें सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या तरीका हो सकता है सॉल्व करने का? पहला ऑप्शन क्या हो सकता है सर? x की आप वैल्यू निकालें और यहां रख दें, ये हो सकता है। x की वैल्यू किस फॉर्म में निकलेगी? यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी, आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एक तरीका ये हो गया पहला। ये काफ़ी लंबा होने वाला है, आप देख रहे हैं। अगर हम चाहें तो ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अभी तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे आपको ये लगे कि सर क्वेश्चन पर हमको कुछ सोचना है, कुछ अलग तरीके से सोचना है, ताकि अगर हम पुराने ढर्रे पे चलने वाले हैं जैसा पहले करते थे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरह से करने में हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए पहले हम सोचेंगे कि इसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो सोचने के बाद आप फिर अप्लाई करेंगे चीज़ों को कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आओ सोचें, हम लोग यहाँ सोचेंगे सर। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं? पहला तरीका ये है कि x², यहाँ से आप कह सकते हैं इसको x² LCM लेंगे +a/x = 1, ये लिख सकते हैं। अब x² + a की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? ये तो हमारे पास एक ऑप्शन है ना। सबसे पहले तो हम यही सोचेंगे कि इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है, किसकी?
यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे आप, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन ये सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे रिप्लेस करना है हमको वैल्यू, इसकी मदद लेके, ये गिवन वैल्यू है तो इसकी मदद आप लेंगे और इस वैल्यू इसमें क्या करेंगे आप, इसको रिप्लेस करेंगे, तब जाके इसकी कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? हाँ सर। चलिए, तो यहाँ से एक तरीका ये हुआ कि सर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की एक बार वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू आएगी यहाँ से, देखिए तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू वन। दूसरा यहाँ से और आप इसको आगे बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, एक्स। क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे एक्स रिप्लेस कर दें, हम ये नहीं कह रहे यही हमारा फाइनल आंसर है, हम और तरीका लगाएंगे, और तरीके से सोचेंगे, अगर उससे सॉल्व होगा जो आपको शॉर्ट लगे, जल्दी से जिससे सॉल्व हो रहा है आप उसी तरीके को अपनाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप पहले वाला तरीका है, इसको आप पहले सॉल्व करते हैं, दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, देखा जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू एक्स लिख दिए, तो यहाँ पे आप देखिए तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वैल्यू पुट करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स, इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, अपॉन ये हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से आप देखिए तो वैल्यू निकाले, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ पे सर, इसको रख देंगे हम एक्स, क्या रख देंगे एक्स, यहाँ से ये गिवन है, हमको इसकी हेल्प लेनी है। आप गिवन वैल्यू का मतलब क्या समझते हैं सर, इसका मतलब ये होता है कि इस वैल्यू की हेल्प लेके ये सॉल्व करना है, हमको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, इसकी हेल्प लेके। अब इसकी वैल्यू आप कैसे यहाँ रखते हैं, किस फॉर्म में चेंज करके रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका जजमेंट है, ये पर्सनल जजमेंट है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से जजमेंट लेते हैं, आप भी अपना जजमेंट लीजिएगा, हम भी अपना जजमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रही बात। हाँ सर, आप इसको सिंपली क्या किए, एलसीएम लिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स लिखे बराबर वन, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू आ गया एक्स, आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो देखिए तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसकी जगह एक्स रख दिए, इसकी जगह पे क्या रख दिए एक्स, यहाँ से फिर प्लस एक्स, यहाँ प्लस एक्स है तो प्लस एक्स लिख दिए, डिवाइड बाई, डिवाइड बाई सर एक्स तो बाहर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर अगर ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए, आप देख रहे हैं हम एक ही चीज़ को दो पार्ट में लिख दिए, एक बार एक्स को इधर करके लिखे तो ए आ गया, एक बार एक्स को ए को इधर लिखे तो ये एक्स के फॉर्म में आ गया, जो हमारी नीड होगी उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो आपने यहाँ से इसको इधर कर लिया, ए साइड ए को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से बताइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आई माइनस ए, ठीक है सर, आप यहाँ क्या रख दीजिए माइनस ए यहाँ से, तो ये वैल्यू आ गई माइनस ए इनटू हो गया। अब देखिए तो इक्वल टू क्या आ गया, ये सर ऊपर आ गया 2x और नीचे आ गया माइनस एक्स ए, मल्टीप्लाई हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई माइनस में आएगी 2 बाई ए, वो भी माइनस में आ गई माइनस 2 बाई ए। ये एक सॉल्यूशन का आपका तरीका था, आप ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे, तो आपने क्या किया सिंपल इसका एलसीएम लिया, आप वैल्यू इसमें उठा के पुट करना शुरू कर दिए। नोट करिए, दूसरे तरीके से लगाते हैं सवाल को, आप क्या करने वाले हैं इसको नोट करिए, हम लोग दूसरे तरीके से और लगाएंगे, सोचने का तरीका है, हर तरीके से आप जितना सोच पाएंगे जितने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी है आपको याद करके जाना है यही क्वेश्चन आना है, आप सोचेंगे, ठीक है सर। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी बताइए, नोट करिए, अब हम दूसरे तरीके से बताते हैं। लिख लिए आप? हाँ सर लिख लिए।
चलें आगे। ठीक है सर, और बताइए दूसरे तरीके से आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हम और क्या सोच सकते हैं सर। ये वैल्यू अगर x प्लस वन अपॉन एक्स दिया हुआ है, क्या यहाँ से इसमें से और इसमें से आप क्या कॉमन ले लें, इसको एक पास लिखें। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक पास लिखे, ये वैल्यू दिया हुआ है तो प्लस एक्स बाहर लिख दिए। यहाँ से आप क्या कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन। अभी देखिए यहाँ से आपको एक्स अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, सिर्फ इन दो वैल्यू से एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है एक्स अपॉन, इन दोनों में से क्या कर दिया हमने एक्स कॉमन निकाल लिया। क्यों एक्स कॉमन निकाले, ए में से कैसे कॉमन निकलेगा एक्स, आप ये भी सोच रहे होंगे सर ए से एक्स कॉमन कैसे निकल जाएगा। सर एक्स कॉमन नहीं निकलेगा, तो एक्स कॉमन अगर ले लिए तो यहाँ एक्स से आपको डिवाइड करना पड़ता है, ताकि अंदर ये मल्टीप्लाई होगा एक्स एक्स कट जाएगा और ये वैल्यू अभी भी क्या रहेगी ए ही रहेगी। इसलिए यहाँ से तो एक्स निकल गया कॉमन, यहाँ से सिर्फ ए है तो ए के नीचे हमने क्या इससे डिवाइड कर दिया एक्स से और यहाँ एक्स बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ एक्स था, चलिए यहाँ पे आ गया ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब इसकी वैल्यू आप क्या रख देंगे एक्स, यहाँ पे देखिए तो कॉमन क्या है एक्स, दोनों में से कॉमन लिए तो ये एक्स कट जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से दोनों में एक्स कॉमन है, बाहर आप कॉमन लेंगे सर अगले स्टेप में, यहाँ मत कैंसिल करिए ना, आप एक स्टेप बढ़ा दीजिए हम समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लीजिए अगला एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स और यहाँ क्या बचेगा प्लस वन अपॉन, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और ये है एक्स माइनस वन, ये एक्स से ये स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा सिर्फ एक्स एक्स माइनस वन। या इसको और अगर लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप अगले स्टेप में, हम एक स्टेप रहने देते हैं, ये एक्स स्क्वायर था एक्स माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप बता सकते हैं, ये कैंसिल हो गया था, ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ दी गई है डायरेक्ट वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक एक्स कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे एक्स बचा, एक्स का आपने एक्स में मल्टीप्लाई किया क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वैल्यू हमने रख दी। यहाँ से इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं क्या, यहाँ देखिए तो यहाँ से सर ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए और नीचे क्या बचेगा एक्स इक्वल टू वन, एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू एक्स, और एक्स दूसरे साइड में आ गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से हम ये वैल्यू उठा के रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू, यहाँ से आप क्या रख सकते हैं माइनस ए, ये देखिए वैल्यू आ गई टू अपॉन माइनस ए, पहले भी क्या था माइनस ए लिखे या ऊपर लिखे हैं माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस टू अपॉन ए पिछली बार भी आया था इस बार भी आया था, तो आपके पास सारे तरीके हैं, आप जैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे आपके दिमाग में आ गया, जैसे जल्दी हो रहा है, आप क्या करेंगे इसको ये वैल्यू को किस फॉर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप प्रयास क्या करेंगे सर, ये जो वैल्यू है ना इसको हम प्रयास ये करेंगे कि इसके फॉर्मेट में चेंज कर लें, और जितनी जल्दी से और जितनी आसानी से चेंज हो पाए उस तरीके को आप अपनाएंगे, ताकि ये किस में चेंज हो जाए, ये वैल्यू इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए, इस फॉर्मेट में आप पुट करेंगे इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन करने का क्या करना है, उसका सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है, ये इस फॉर्म में है, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व किए, देखो ये हम इसका ये फॉर्मेट चेंज कर दिए ना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं, ये सिर्फ क्या है वैल्यू सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, सिर्फ हमने क्या किया उसको लिखने का तरीका बदल दिया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताइए उसमें और हम समझेंगे, आइए ये आप समझ गए मिटा दें, लिख लिए बोलिए ना, हाँ हाँ सर
क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर? आप नंबर नहीं लिखे थे इसलिए आप बाद में लिख रहे हैं नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 32 के बाद तो क्वेश्चन नंबर 33 ही आएगा। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे लिखते हैं आपके असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 33 सर ये दिया हुआ है अंडर रूट में 28 माइनस 6√3 इक्वल टू रूट में 3 ए प्लस बी। क्या रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? वेयर ए एंड बी आर रेशनल। ए और बी क्या हैं? रेशनल नंबर हैं सर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब जो वैल्यू क्या हो परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी कि अंडर रूट में उस वैल्यू को रखने पे उसकी वैल्यू आपको पॉइंट में नहीं मिलती, वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसको आप क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है तो सर ये ए और बी क्या है? रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू किस में नहीं होगी? सर इसकी वैल्यू अंडर रूट में आप रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वो वैल्यू बाहर आ जाएगी और पॉइंट में नहीं मिलेगी। ठीक है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ए बी रेशनल नंबर हैं, ये इसके बराबर है। आपको कैलकुलेशन क्या करना है? ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है सर, ये क्या हो सकता है, ये कैसे आप निकालेंगे? यहाँ पे ध्यान आप दे रहे हैं, वेरिएबल कितना है यहाँ? वेरिएबल कितना है? दो। ए और बी इक्वेशन कितने हैं? वन। क्या एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कभी फाइंड हो पाएगा? नहीं सर, एक वेरिएबल से कभी भी दो वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती। अगर सॉल्व करके निकालना हो तब, सॉल्व करके निकालनी हो ये वैल्यू, तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल आप कभी फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन सर कंपेरिजन करके अगर वैल्यू निकालनी हो, जैसे अभी ये सवाल हम नहीं बता रहे हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं सर, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2×5 प्लस 3×7। अब इसको आप देख के बता सकते हैं कि x और y की वैल्यू कितनी होगी। सर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये वैल्यू x की कितनी होगी? 5। तभी तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी, 2 और 2 तो आपस में बदलेगा नहीं, तो x को कितने के बराबर लेना पड़ेगा आपको? 5 के। तभी तो दोनों साइड आपस में बराबर होगी, यहाँ बराबर लिखे हुए हैं। यहाँ ये 3 है, यहाँ ये क्या है? 3। यहाँ भी 3 है, तो इसका ये कोफिशियंट जो होगा y, ये कितने के बराबर होना चाहिए? 7 के। तभी तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल टू होंगी। इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो इक्वल टू कब होंगी? जब x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 7 होगी। यानी कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करके ये वैल्यू हम बता सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है तो हम बता सकते हैं एक्स की वैल्यू सर इसमें देख के बता सकते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। वाई की वैल्यू क्या है? 7। सिमिलरली आप लोगों को यानी यहाँ भी यही काम करना है क्या? हाँ सर, अगर यहाँ ए और बी की ये वैल्यू पूछ रहा है और एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ सॉल्व इसको नहीं कर सकते। इस फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे आप? सिंप्लीफाई करेंगे। इसको प्रयास करेंगे कि किस फॉर्म में हम चेंज कर दें, इसको इसके फॉर्मेट में चेंज कर दें। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सर? ये इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, मतलब ये अंडर रूट के बाहर है, परिमेय संख्या। ये अंडर रूट के अंदर है, अपरिमेय। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? रेशनल नंबर। और ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो अगर ये चीज़ें हैं तो इसको भी आपको किस में चेंज, ये देखो तो पूरा अंडर रूट में है, ये वैल्यू पूरी अंडर रूट में है, इसके किस में चेंज करना होगा आपको? सर इसको अलग कर दीजिए, जितना इसमें रेशनल नंबर हो सकता है उसको एक साइड में, इरेशनल को एक साथ में लिखिए, ताकि ये इस फॉर्मेट में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, जिससे हम कंपेरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है ना? ठीक है सर, आप इसको मिटा दीजिए, ये हम समझ गए। अब यहाँ आप बताइए, इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। चलो या पहली बात तो अंडर रूट के ये अंदर है, ये पूरा अंडर रूट के क्या है? अंदर है, तो इस फॉर्मेट में चेंज कैसे होगा? जब तक अंदर वाले का आप होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे, तब तक वो अंडर रूट के बाहर कैसे आएगा? हाँ सर, ये बात तो सोचने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है।
और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है तो उसको उसके बाहर करना होगा। अब बाहर करने के लिए क्या तरीका है सर? उसके लिए यही है कि किसी भी नंबर का जब आप होल स्क्वायर बनाएंगे तो अपने आप अंडर रूट से बाहर निकल आता है। परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू अंडर रूट में नहीं रहती, अंडर रूट उसमें से हट जाता है। ठीक है सर, हम प्रयास करेंगे। हम क्या प्रयास करने वाले हैं? इसका अंडर रूट हटाने का। चलिए देखिए कैसे अंडर रूट हटेगा। सर ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा? ये रेशनल नंबर है, ये दो नंबर का स्क्वायर का जोड़ होगा, ये क्या होगा, सम होगा दो नंबर के स्क्वायर का, और ये क्या होगा, 2ab, ये क्या होगा, 2ab, तभी तो ये होल स्क्वायर बनेगा। आप चेक करें ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है सर, 28 है, यहाँ पे ये माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab, तो 2 इसके बाद क्या वैल्यू बचेगी, 2a की जगह के कुछ रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 3√3। अब ये 2 तो रहता ही है, अगर किसी भी होल स्क्वायर बनाएंगे तो माइनस है तो ये माइनस 2ab बनाएंगे। यहाँ पे माइनस आने का मतलब क्या हो गया कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस बनाइए इसको सर, ये 2 हो गया, 3 ये 2ab है, तोड़ दिए आप। अब a इंटू बी की वैल्यू इसी में होनी चाहिए, a इंटू बी की वैल्यू इसमें। अब ढूंढेंगे हम लोग कि इसकी और दोनों की वैल्यू स्क्वायर करने पे कितना आ जाए, 28 स्क्वायर करके ऐड करने पे, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, तो दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ने पे क्या वैल्यू आ जाए सर, 28 आ जाए, तब उसको हम लिख देंगे, इसको 2ab लिख देंगे, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए तो ये रूट थ्री और मान लीजिए ये बी है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 3√3 का सर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 = 27। तो अगर इसी का स्क्वायर 27 हो रहा है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 27 कितना आ गया, 28। यानी कि ये आप इसको लिख सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे क्या है, 3√3, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हमने इसको चेंज किया या वैल्यू चेंज हो गई या ये वैल्यू वही है? सर ये वैल्यू वही है, सिर्फ 28 को आप दूसरे तरीके से लिख दिए, 1 का स्क्वायर और 3√3 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 को दो पार्ट में तोड़ दिए, कौन कौन सा, 2 और 3, और इसको हम इंटू 1 अपने पास से लिख दिए क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो अभी वैल्यू देखो तो क्या है, ये 6√3 है, पहले भी 6√3 थी, इक्वल टू क्या है सर, यहाँ पे इसको हमने मिटा दिया, इक्वल टू बताएं आप क्या है, यहाँ पे इक्वल टू अंडर रूट में 3a + b, अभी वही लिखे हुए हैं। अब बताइए ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है, 1 − 3√3 का ये होल स्क्वायर है, इक्वल टू अंडर रूट में 3a + b। अब यहाँ से स्क्वायर है ये वैल्यू अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में अगर कोई स्क्वायर वैल्यू होती है तो अंडर रूट हट जाता है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 − 3√3 इक्वल टू अंडर रूट में 3a + b। कंपेरिजन करें, यहाँ देखिए इस साइड में b कांस्टेंट टर्म है, इधर b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो b यहाँ भी कांस्टेंट टर्म कितना है, 1, तो b इक्वल टू क्या हो गया, 1, और a की वैल्यू कितनी हो गई सर, ये रूट थ्री है, इसमें भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, −3, a की वैल्यू कितनी आ गई, −3, क्योंकि देखिए तो यहाँ रूट थ्री का कोफिशियंट क्या है, a है, और यहाँ रूट थ्री का कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट का मतलब गुणांक जो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है वो कितना है, √3 के साथ, √3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, सिर्फ 3 या −3 सर, ये −3 है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तभी तो ये तुलना हो पाएगी। अब देखो तो ये कंपेरिजन हो जाएगा ना, ये प्लस बी ये प्लस 1 प्लस 3a प्लस अंडर रूट में 3 और उसका कोफिशियंट कितना है, −3। अब आप कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसको चाहिए तो और अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में,
सर इसको बदल के थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। तो हमने पहले लिख दिया माइनस थ्री रूट में थ्री प्लस वन, वन को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। अब बताइए कंपेरिजन करिए तो रूट थ्री हो गया, तो ए की वैल्यू कितना हो गई माइनस थ्री, बी की वैल्यू प्लस वन। आपको निकालना क्या है इसमें? सर इसमें तो a प्लस बी पूछा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप जोड़ देना इसको a प्लस बी, यानी कि माइनस थ्री प्लस वन इक्वल टू क्या होता है माइनस टू। ये आपका होगा आंसर, आपका आंसर क्या हो गया माइनस टू। ठीक है सर, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, आप टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जितना जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर सर 33 था, क्वेश्चन नंबर 34, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 बता रहा हूँ आपको, दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू वन, आप नोट कर लिए इसको, x प्लस वाई इक्वल टू वन दिया हुआ है, ये गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिएगा आप। अक्सर सिंप्लीफाई करने में एक वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में होता क्या है, एक वैल्यू गिवन होती है दूसरी वैल्यू फाइंड करने वाली होती है, तो गिवन वैल्यू का हमको करना क्या होता है सर, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे दूसरे वैल्यू में, हमको रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट को हम अपने जो आंसर होगा उसके फॉर्म में चेंज कर लेंगे और अपना आंसर बता सकते हैं, बस यही काम करना है आपको। ये काफ़ी आसान चैप्टर लग रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू उसमें क्या लिख दिया गया वन, पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, अब बताइए ना आप एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू, ये वैल्यू निकालनी, इसको लेके चलते हैं सर, इसी के इसका को फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या ये बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये वैल्यू एक्स प्लस वाई है, ये वैल्यू क्या है क्यूब की वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे इसमें सर, इसका आप क्यूब करके देखिए क्या ये वैल्यू आ रही है, इस साइड का क्यूब करेंगे जो वैल्यू इधर आएगी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अच्छा तो बताइए ना x प्लस वाई ये गिवन है बराबर वन, तो हम इसका क्यूब कर दें दोनों साइड का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इक्वेशन के दोनों साइड में सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई करें, इधर भी दोनों साइड में उस सेम चीज़ क्या कर दें ऐड कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तब भी नहीं, उसका क्यूब करेंगे तब भी, इंटू करेंगे तब भी, यानी सर इंटू का मतलब क्या होता है तीन बार मल्टीप्लाई, एक ही चीज़ का आप यहाँ क्यूब करने का मतलब क्या हो गया तीन बार मल्टीप्लाई किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर का भी तीन बार कर दिया इधर का भी तीन बार कर दिया। ठीक है सर, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आप बताएंगे क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री ए बी की जगह पे क्या है सर, ए की जगह पे x, b की जगह पे y, फिर क्या होता है सर ब्रैकेट में x प्लस वाई, आप बता रहे हैं ना, हाँ सर हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये देखिए x क्यूब इसका क्यूब कर रहे हैं तो x का क्यूब y का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, यही तो होता है a प्लस b का होल क्यूब, हाँ सर इसकी वैल्यू कितनी है इक्वल टू वन, क्योंकि वन का क्यूब क्या होगा वन ही होगा। और देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या पता है आपको, वन पहले ही दिया है, यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू वन रख दें क्या, हाँ सर अगर ये वैल्यू दिया है तो ये किस काम के लिए दिया हुआ है, यहीं रखने के लिए ना, हाँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई, यहाँ वन रखेंगे तो ये थ्री एक्स वाई इक्वल टू अभी